आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ सैटेलाइट ऑफ मास 10^7 kg इज रिवॉल्विंग होगा, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद अ टाइम पीरियड ऑफ 30 days एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन सैटेलाइट। अब देखिए, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं ये इसके सेंटर से ये हाइट जो है वो h बराबर 1600 किलोमीटर है, ठीक है। ये किसी और, ये सैटेलाइट हुई हमारी, सैटेलाइट वो एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से h है, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस h, ठीक है। सैटेलाइट का मास गिवन है 10^7 kg के बराबर, और टाइम पीरियड जो कैपिटल टी बोलते थे वो गिवन है 30 days के बराबर, ठीक है। अब अगर हम देखें, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हम ओमेगा कैलकुलेट करें, ओमेगा क्या आ जाएगा, 2π/कैपिटल टी, ठीक है, यह आ जाता है 6.28/t, टी मतलब 30 days, 30 days को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें कितना आ जाता है, 6.28/30×86400 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 24 hours होते हैं, उस एक आवर में 60 minutes होते हैं और एक मिनट में 60 seconds होते हैं, तो ये आगे वैल्यू 60×60×24 की, ठीक है, ये आ जाता है, जो कि हो जाता है हमारा ओमेगा 6.28/2.59×10^6 के बराबर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, इसका इस तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो, और ये जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका इस तरफ एक्सेलरेशन भी होगा एसी, जो कि होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ तो क्या आ जाएगी, एफ बराबर m×ac, ये आ जाता है हमारी इक्वेशन। तो अगर एफ की वैल्यू फाइंड करनी है वो आ जाएगा m, ac की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, ये आ जाता है m की वैल्यू दे रखी है 10^7, ओमेगा को मैं इधर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, यह आ जाता है 6.28/2.59×10^6 × 6.28/2.59×10^6 × radius की वैल्यू हो जाएगी h के बराबर 1600 किलोमीटर, मतलब के 1600×10^3, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 10 बचेगा इधर, और ये 10^3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 10^3 बचेगा। अब देखिए, 1, 2, 3 ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे 10^3 से, तो हमारे पास फोर्स बचता है, एफ बचता है, ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एफ की वैल्यू आ जाती है 6.28×6.28×16/2.59×2.59 के बराबर, ठीक है, एक मिनट, ये जो हाइट है वो एक्चुअली इसके सरफेस से दी गई है, ये है एच, हमें इसमें रेडियस ऐड करनी पड़ेगी, ऑर्बिट ऑफ रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच प्लस आर ई के बराबर, जहाँ पे आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ, जो कि होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास 1600 + 6400, जो कि हो जाता है 8000 किलोमीटर के बराबर, जहाँ पे हमने इधर 16 रखा, 16 की जगह पे 8000 आएगा, ठीक है, 1600 की जगह 8000 आएगा, तो ये आ जाता है इधर 80 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ जाता है 6.28 इंटू 6.28 इंटू 80 अपॉन 2.59 इंटू 2.59, ठीक है, जो कि वैल्यू आ जाती है अगर कैलकुलेट करें तो 470.335 न्यूटन्स के बराबर। यह आ जाता है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।